नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रमेश है और मैं सुमिटोमो के मकल में फतेहाबाद में काम कर रहा हूं। तो किसान भाइयों, जो नरमे के किसान भाई है, आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जो नरमे की फसल है अब की बार बहुत अच्छी दिख रही है। और अभी जो हालात बनी हुई है उसके बारे में बस छोटा सा एक वीडियो बनाना था। तो किसान भाइयों, अभी जो नरमे की हालात है आप देख रहे हो, बहुत सारे खेतों में चिपचिपाहटपन चेपा टाइप में आपको दिखाई दे रहा है। और किसान भाई मार्केट में जा रहे हैं और दुकानदार से ये बोलते हैं कि चेपा आया हुआ है, और वहाँ से अपने हरे तेले की और चेपे की दवाइयाँ लेके अपने खेतों में कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो समस्या क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो किसान भाइयों, जो आप चेपा बोल रहे हो, जो चिपचिपाहट है आपके पत्तों पर, वो किस कारण से है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो आप देख रहे हो सफ़ेद मच्छर के कारण ये सारा नुकसान आपके खेत में हुआ है। अभी मैं आपको एक फील्ड में खड़ा हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कैसे ये सफ़ेद मच्छर आपके खेत में चिपचिपाहट फैलाता है। जैसे आप देख रहे हो, ये जो पौधा आप देख रहे हो, इस पौधे में आपको सफ़ेद मच्छर से पूरा चिपचिपाहट दिख रही है। और ये जो पत्ता मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से काला पड़ना भी शुरू हो गया, ठीक है जी। और इसके पीछे आप देखो, इसके पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे अंडे बच्चे इसके पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। और सफ़ेद मच्छर के जो अंडे बच्चे हैं यही इस चिपचिपाहट को फैलाने का काम करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सफ़ेद मच्छर का जो है, इसका जो जीवन चक्र है, इसके जो अंडे बच्चे हैं वो एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते रहते हैं। और इस चिपचिपा पदार्थ पर एक फंगस आती है, सूटी मोल्ड फंगस। और जो आप तेल सा आप देख रहे हो पत्तों के ऊपर चिपचिपाहट देख रहे हो, वो सूटी मोल्ड फंगस आपके खेत में आई हुई है। और ये पूरा का पूरा काम सफ़ेद मच्छर के कारण ही हुआ है। और जिन किसान भाइयों ने इस सफ़ेद मच्छर की आज से 10-12 दिन पहले जब ये स्टार्ट हुआ उस टाइम सही दवाई करी है, उसके खेत में कोई चिपचिपाहट नहीं है, पत्ता भी उनका बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो इसका समाधान क्या है? तो किसान भाइयों, उड़ते हुए मच्छर पे ना जाके उड़ता हुआ मच्छर आज आप मारोगे। और काफ़ी ऐसे किसान हैं उड़ते हुए मच्छर के लिए दवाइयां कर रहे हैं, उड़ता हुआ मच्छर आज आप मारोगे 2 दिन बाद फिर उड़ता दिखाई देगा। इसका जो असली समाधान है वो सुमिटोमो का लेनो ही है जी। जिन किसान भाइयों ने, आप देख भी लेना, अपने आस पड़ोस में काफ़ी लोग लेनो का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खेत में आप देखोगे तो आपको कोई चिपचिपाहट नहीं दिखाई देगा, ना ये अंडे बच्चे दिखाई देंगे। तो उनका खेत भी अभी जो हालात बनी हुई है बहुत अच्छा खड़ा है। तो सुमिटोमो का लेनो असली जड़ पे, असली फैक्ट्री पे काम करता है। और सही दवाई आप करेंगे तो ही सही दवा समाधान अपने को मिलेगा। अभी आप देख रहे हो कि ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, आज 17 अगस्त हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा चिपचिपाहट ये स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी भी हमने सही दवाई नहीं करी तो अपना नरमा पहले की तरह वैसे ही काला पड़ना शुरू हो जाएगा और पैदावार में पूरा नुकसान होगा। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, जो सुमिटोमो कंपनी का अगर सही लेनो, असली लेनो आप करते हो तो आपको पूरा इस चिपचिपाहट में फ़ायदा होगा। साथ के साथ मैं आपको असली लेनो की पहचान भी बता देता हूँ। पहचान के लिए आप देखोगे, सुमिटोमो का जो लेनो है वो आपको सिल्वर की बोतल में मिलेगा, लेनो नाम से मिलेगा, और ये हरा निशान देख के ही खरीदें, ठीक है जी। जैसे किसान भाई मार्केट में जाते हैं, काफ़ी ऐसे दुकानदार भाई भी हैं जो सिंथेटिक लेनो, जो चाइनीज़ लेनो, जो निशान भी हरा नहीं है, सिल्वर की बोतल में भी नहीं है, वो आप अगर लेके आते हैं तो आप देखोगे वो अंडे बच्चे नहीं मारता। और अंडे बच्चे नहीं मरेंगे तो अपने खेत में जो कालापन की समस्या है वो आने वाली है। तो उसके लिए आप सुमिटोमो का असली लेनो 150 से 200 लीटर पानी के साथ अच्छा स्प्रे करें, इस बीमारी पे 100% काम करेगा और अपने नरमे की फसल बचा सकते हैं। साथ ही साथ मैं दुकानदार भाइयों से भी अपील करूंगा कि अपने जो किसान हैं उनको सही टाइम पे सही दवाई प्रोवाइड करवाएं, सुमिटोमो का असली लेनो देने का काम करें, जो किसान हैं उनकी मदद करने का काम करें। तो किसान भाइयों, लेनो तो आपको करना ही करना है। और जो फंगस की जो समस्या आई हुई है, सूटी मोल्ड जो फंगस आपको चिपचिपाहट आपको दिख रहा है पत्तों के ऊपर, इसके लिए आप एक फंगीसाइड अपने नरमा में ज़रूर करें। लिक्विड वाला फंगीसाइड आप करेंगे तो और फायदा होगा। उसके लिए सुमिटोमो कंपनी का कितोसी भी आप कर सकते हैं, 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से।
अगर अभी फंजीसाइड कर देंगे तो अपने नरमे में जो ये फंगस कालापन फैलाती है, पत्ता जो डैमेज करती है वो नहीं कर पाएगी। तो लैनो तो करें ही करें, उसके साथ एक फंजीसाइड स्प्रे भी ज़रूर करें। धन्यवाद।